लाइटरूम और बेसिक कलर ग्रेडिंग के फंडामेंटल्स आप सभी लोग सीख चुके होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि हाउ टू चूज परफेक्ट कलर टोन फॉर योर फोटोज, एंड यही जानने वाले आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स में ना यही क्वेश्चन आता है कि यार फोटो के लिए परफेक्ट कलर ग्रेडिंग कैसे डिसाइड करें, मतलब कलर ग्रेडिंग करनी कैसे है सबको पता है, लेकिन कैसी फोटो में किस टाइप की कलर ग्रेडिंग ज्यादा अच्छी लगेगी ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। आप देखिए, कलर ग्रेडिंग करते हुए लोग बेसिकली दो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। पहला तरीका ये है कि आप कलर ग्रेडिंग को पहले डिसाइड कर लो एंड उसके हिसाब से फोटो को क्लिक करो। सपोज मेरे माइंड में कभी एक रैंडमली ख्याल है यार मैं एक फोटो चाह रहा हूं जहां पे बहुत ही मस्त है टील ऑरेंज पूरे फ्रेम में हो और बिल्कुल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बने, तो अब मैं अपनी फोटो क्लिक भी उसी हिसाब से करूंगा। अब मान लेते हैं मैं टील एंड ऑरेंज कलर टोन डालना चाहता हूं, तो मैं अपनी फोटो कैसे क्लिक करूंगा, मैं अपनी फोटो में मैक्सिमम पार्ट रखूंगा टील एंड ऑरेंज का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो टील कलर बेसिकली स्काई में बहुत आसानी से डल सकता है, या तो आपकी बैकग्राउंड टील कलर की वॉल हो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली आपका स्काई जो ब्लू होता है अगर आप उसका ह्यू चेंज करो थोड़ा सा तो आपका वो टील बन जाता है। तो मतलब टील एंड ऑरेंज के लिए मुझे अपनी फोटो में स्काई का पार्ट ज्यादा रखना है। अब ये बात तो होगी टील की, लेकिन अब बात करते हैं ऑरेंज की। ऑरेंज कलर पहली बात तो आपकी स्किन में होता है तो आपका ऑरेंज कलर वहां से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रखना चाह रहे हैं तो आप अपनी फोटो में जो है ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं ताकि टील ऑरेंज बिल्कुल परफेक्टली बन जाए, या फिर आप अपने फ्रेम में कुछ भी ऐसे ऑरेंज कलर की चीजें रख सकते हैं। मान लो ऑरेंज कलर की एक कार रख दी, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लिए, या फिर ऑरेंज कलर की पीछे पत्तियां या फिर ग्रास हो। अब आई नो नॉर्मली ऑरेंज कलर की पत्तियां ग्रास ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन आपके पास ग्रीन कलर की पत्तियां या फिर ग्रीन कलर की ग्रास या ट्रीज बहुत इजीली मिल जाती है। एंड अगर आप इस HSL टैब को ध्यान से देखो तो ऑरेंज के बगल में बिल्कुल ग्रीन कलर है, मतलब आप ग्रीन का ह्यू चेंज करके उसको बिल्कुल ऑरेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो मतलब अगर आपको परफेक्टली ऑरेंज कलर फ्रेम में ना मिले तो आप ग्रीन कलर को ले सकते हैं ताकि बाद में उसको आप ऑरेंज बना लो, एंड इस तरीके से जस्ट आपका स्काई एंड ग्राउंड पर जो पत्तियां हैं इनको मिला के आपकी फोटो टील एंड ऑरेंज काफी इजीली बन सकती है। जैसे मेरे आप इस फोटो को देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी फ्रेमिंग थी, लेकिन इसको मैंने क्लिक इस तरीके से किया था कि मैं इसमें टील एंड ऑरेंज कलर टोन डाल सकूं, तो मैंने जस्ट स्काई कलर टील कर दिया एंड जो ग्राउंड था एंड जो बाकी एलिमेंट थे फोटो में उनको मैंने ऑरेंज कर दिया, तो बन गया ना बिल्कुल परफेक्ट टील एंड ऑरेंज। इसी तरीके से आप कोई और कलर टोन मान लो डिसाइड कर लेते हो, आप चाहते हो कि मैं एक बहुत ही अच्छी विंटेज कलर टोन अपनी फोटो में डालूं, बहुत ही ओल्ड स्टाइल से लगे फोटो, उसके लिए आप फोटो क्लिक भी वैसी लोकेशन पर करो जहां पे बहुत ज्यादा डार्क हो पार्ट और बहुत ज्यादा ब्राउन सा हो बैकग्राउंड में, आपके कपड़े भी थोड़े विंटेज वाले हो। इस तरीके से आपको अपनी कलर टोन के हिसाब से फोटो को शूट करना पड़ता है। एंड सिमिलरली अगर आप फोटो में कोई मस्त एक नेचुरल वाली वाइब रखना चाहते हो, आप फोटो को किसी नेचुरल वाली जगह पे आप क्लिक करोगे। अब ये तो था पहला तरीका, लेकिन सेकंड तरीका एंड जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं वो ये है कि फोटोज को पहले क्लिक कर लेते हैं बाद में डिसाइड करते हैं कि इसमें कैसी कलर टोन की जाए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं खुद पहले ऐसी करता था, मैं बहुत सारी फोटोज को पहले क्लिक कर लेता था एंड बाद में उसको सोचता था कि इसमें कौन सी कलर टोन डाली जाए, एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत से लोग ऐसे ही करते होंगे एंड यही सबसे डिफिकल्ट। बट डोंट वरी, इसको हम आज बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो मैं आपको अपने रिसेंट 10 फेवरेट फोटोज दिखाने वाला हूं एंड आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने उन फोटो में कलर ग्रेडिंग की एंड क्यों मैंने अपनी किसी भी एक पर्टिकुलर फोटो के लिए वो वाली कलर टोन चूज करी। बट उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फोटो में अपना मूड डिसाइड करना है एंड ये डिसाइड करोगे आप अपने पोर्ट्रेट के एक्सप्रेशन से। जैसे सपोज आपका एक पोर्ट्रेट है जिसमें आप बहुत ही मस्त ऐसे एटीट्यूड वाली लुक दे रहे हो एंड आप बिल्कुल ऐसे फैशन वाली वाइब्स आपकी फोटो से आ रही है, तो उसमें आप कुछ ऐसी कलर टोन डालोगे जिससे कि लोगों का फोकस आपकी तरफ जाए एंड लोग आपके फैशन को देख सके, आपके स्टाइल को या फिर आपके एक्सप्रेशन को देख सके एंड बैकग्राउंड से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो। बेसिकली आपको सबसे पहले ये देखना कि आपकी फोटो में आपका मूड कैसा है। अगर आप फोटो में बहुत ज्यादा हैप्पी हो, स्माइल कर रहे हो, तो उसके लिए अलग टाइप की कलर टोन्स होती है। अगर आप फोटो में बहुत ज्यादा एटीट्यूड या फिर लुक ऐसे रख रहे हो, स्टाइलिश से दिख रहे हो, बहुत ज्यादा फैशनेबल दिख रहे हो, उसके लिए अलग टाइप की कलर टोन्स होती है। अगर आप फोटो में काफी सैड हो या काफी नॉर्मल से हो या फिर काफी रैंडम हो, फ्रेंडली हो किसी के साथ, उन सब चीजों के लिए अलग अलग कलर टोन्स होती है। मूड डिसाइड करने के बाद आपको सेकंडली देखना है कि आपके फ्रेम में मैक्सिमम चीजें क्या दिख रही है। आपके पास जो फोटो है उसमें किस टाइप के कलर्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स है बैकग्राउंड में एंड बैकग्राउंड से सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा दूरी है, मतलब आपकी फोटो में पीछे स्काई है या फिर ट्री है या कार है, रोड है, क्या है, इस टाइप से आपको सब चीजों का एनालाइज करना है एंड उन चीजों के हिसाब से आपको कलर ग्रेडिंग करनी है। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई मेरी एक फोटो जो बहुत ज्यादा अर्बन सी है, फोटो में बहुत ही मस्त एक रोड दिख रही है एंड रोड के पास मैं बिल्कुल खड़ा हूं। इसमें अगर मैं टील ऑरेंज कलर टोन डालने की कोशिश करूं तो फोटो ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। बेसिकली फैशन वाली फोटोज में ना एक मोनोटोनस सी कलर टोन ज्यादा अच्छी लगती है, जहां पे आपकी फोटो में ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ज्यादा कलर्स ना हो, जस्ट एक ही कलर हो एंड लोग आपके कपड़ों पर या फिर आपके ऊपर ज्यादा फोकस करें, आपके बैकग्राउंड पर ज्यादा फोकस ना करें। तो इस टाइप की अर्बन या फिर फैशन वाली फोटोज में आप ब्लैक टोन रख सकते हो, व्हाइट टोन रख सकते हो या फिर ग्रे टोन या फिर हल्की सी ब्राउन टोन भी रख सकते हो। एंड बाय द वे इन सभी टोन्स के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट बना रखे हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद सपोज आपकी कोई ऐसी फोटो जहां पे आप बहुत ही मस्त हिस्टोरिकल सी जगह पे गए हो, जैसे रिसेंटली मैं ग्वालियर गया हुआ था, या फिर मान लो आप जयपुर में फोटो को क्लिक कर रहे हो, तो इस टाइप की फोटो में अगर आप अर्बन टोन डाल दोगे तो फोटो आपकी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इस टाइप की फोटो में लोग आपके अलावा आपके बैकग्राउंड को भी देखते हैं, तो मतलब आपके अलावा आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा दिखना चाहिए। इस टाइप की हिस्टोरिकल फोटोज में आप काफी अच्छी मूडी टोन्स डाल सकते हो या फिर सिनेमेटिक फेडेड वाली कोई भी कलर टोन डाल सकते हो। अब बात करते हैं आपकी नेचुरल सी फोटो के बारे में। जैसे कि आपके पास कोई फोटो हो जहां पे बहुत अच्छा पीछे ग्रास दिख रही है, ट्री दिख रही है, अब आप खुद इमेजिन करिए, मान लो आपके पास एक फोटो जहां पे बहुत ही मस्त पीछे नेचर दिख रहा है, बहुत ही मस्त पेड़ है, पीछे पत्तियां हैं, ग्रास है ग्रीन कलर की, लेकिन इस फोटो में आपने डिसाइड किया कि मैं इसमें ब्लैक टोन डाल दूंगा एंड आपने अपनी पत्तियों को जो है ब्लैक कर दिया, तो भाई साहब आप ही बताइए आपकी फोटो मतलब ऐसे कैसे अच्छी लगेगी।
तो नेचर वाली फोटोज में आपको कोई ऐसी कलर टोन डालनी पड़ेगी जिससे कि आपकी फोटो में जो नेचुरल ब्यूटी दिख रही है पीछे वो खराब ना हो, उसके कलर्स खराब ना हो, उसके कलर के साथ कोई भी आप छेड़खानी ज्यादा ना करो। बेसिकली इस टाइप की फोटोज में आप काफी अच्छी येलो कलर टोन डाल सकते हो, या फिर मूडी कलर टोन जो होती है, मूडी ग्रीन, या फिर आपके ग्रीन कलर जो है उसको आप थोड़ा सा ऑरेंज कर दो, थोड़ा सा ब्राउनिश कर दो, तो आपकी फोटो में काफी मस्त ऐसे फॉल वाली वाइब्स आ जाएंगी। बट हाँ, ग्रीन कलर को बिल्कुल ब्लैक मत कर देना। अब ये तो थी कलर ग्रेडिंग की बात, लेकिन कलर ग्रेडिंग के अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फोटो में, एंड वो है लाइट। देखिए नॉर्मली अगर आप किसी भी फोटो को लो एंड उसको कलर ग्रेड कर दो सिर्फ, तो आपकी फोटो में क्या होगा, फोटो आपकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन जस्ट उसमें कलर्स अभी चेंज हो चुके हैं। और कलर्स के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइट। आपकी फोटो में लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है एंड कहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, कहाँ पे लाइट कम पड़ रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसको आप कंट्रोल कर सकते हो डॉज एंड बर्न के थ्रू। बेसिकली डॉज एंड बर्न से आप अपनी फोटो में लाइट को शेप कर सकते हो, किसी भी पार्ट को डार्कर कर सकते हो, किसी पार्ट को ब्राइटर कर सकते हो। जब कोई भी व्यूअर आपकी फोटो को देखता है ना, तो आपकी फोटो सबसे पहले ब्राइटर पार्ट को देखेगा, जिस पार्ट पे ज्यादा लाइट होगी। तो अपनी फोटो में जिस भी पार्ट को आप थोड़ा सा फोकस करके दिखाना चाहते हैं, तो उस पर आप थोड़ी सी लाइट डॉज एंड बर्न के थ्रू बना सकते हैं, एंड बाकी सभी पार्ट को आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। एंड डॉज एंड बर्न की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। बेसिक डॉज एंड बर्न आप लाइटरूम के अंदर भी कर सकते हो एक्सपोजर शिफ्टिंग के थ्रू, और एडवांस डॉज एंड बर्न आप किसी भी और ऐप के अंदर कर सकते हो। मैंने खुद एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है डॉज एंड बर्न के ऊपर, जहां से आप सीख सकते हो कि फोटो में कैसे आप डॉज एंड बर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, एंड ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। तो चलिए ये तो हो गई बातें, अब मैं आपको रिसेंटली अपनी फेवरेट जो 10 फोटो है प्रैक्टिकली वो दिखाता हूं कि कैसे मैंने उनमें कोई भी कलर टोन डाली एंड क्यों मैंने उसमें वो कलर टोन डिसाइड करी। ओके तो गाइस ये हमारी पहली फोटो, एंड इस फोटो का देखिए बिफोर आफ्टर। ये हमारी फोटो थी, एंड जब मैंने इस फोटो क्लिक किया, यहाँ पे बहुत ही मस्त पीछे एक येलो कलर की स्काई थी क्योंकि सनसेट हो रहा था। हालांकि क्लिक करते टाइम ये आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन क्योंकि ये रॉ फोटो थी एंड मैंने इसकी हाईलाइट को कम किया, और पहली फोटो ऐसी थी, कम करने के बाद फोटो में वापस मैंने डिटेल आ गई थी। तो अब क्योंकि फोटो में यहाँ पे येलो कलर था, तो मैंने इसको ऑरेंज कर दिया, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फोटो मैंने हल्का सा टील कलर डाल दिया, यहाँ पे गाड़ी कलर को चेंज किया, एंड हल्का सा टील अपने व्हाइट्स में भी डाल दिया। तो गाड़ी कलर ऑलरेडी ब्लू था, मैंने इसको हल्का सा टील किया एंड बन गया पूरा टील एंड ऑरेंज। सिमिलरली एक ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टील ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पे देखिए ये फोटो बिल्कुल सिंपल सी थी हमारी, ऐसी बिफोर हमारी फोटो ये थी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्ट स्काई का था और स्काई बिल्कुल ब्लू था, तो इसको देखते मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे मस्त एक टील कलर डाल सकता है, तो मैंने स्काई को बिल्कुल टील कर दिया, एंड जो ग्राउंड था यहाँ पे ग्रीन था, तो ग्राउंड को हमने बिल्कुल ही ऑरेंज कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही मस्त एक स्ट्रॉन्ग टील एंड ऑरेंज लग रहा है, और बाकी फोटो में और कोई कलर थे नहीं, कपड़े हमारे बिल्कुल ब्लैक थे, मतलब बिल्कुल ही सिंपल से दो कलर फोटो में टील एंड ऑरेंज, इसलिए फोटो बहुत ही कमाल की लग रही है। अब एक बार इस फोटो को देखते हैं, एंड यहाँ पे देखिए फोटो में बिफोर जो फोटो का है ये बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है, हल्की यहाँ पे ग्रीन कलर की पत्तियां भी दिख रही है, और फोटो में ज्यादा कोई खास कलर नहीं है, जस्ट हमारी ब्लू कलर की टी शर्ट है। तो इस फोटो मैंने बहुत ही हल्के से एडिट किया ताकि हमारी फोटो में जो नेचुरलनेस दिख रही है ये खराब ना हो। एंड देखिए जस्ट मैंने अपने स्किन को थोड़ा सा पॉपअप किया, यहाँ पे हाईलाइट एंड शेडो को छेड़ के थोड़े से कलर को बढ़ाया, एंड जो ग्रीन हमारा थोड़ा सा फेडेड लग रहा था, थोड़ा डार्क ग्रीन था, इसको मैंने लाइट ग्रीन किया, एंड जस्ट ये वाली इसमें कलर टोन किया। इसके बाद इसमें मैंने डॉज एंड बर्न किया फोटोशॉप से, एंड फोटो हमारी फाइनली काफी अच्छी बन गई थी। तो मतलब ये कि इस फोटो मैंने ज्यादा कुछ नहीं छेड़ा क्योंकि फोटो ऑलरेडी काफी अच्छी लग रही थी। अब ये फोटो तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने इसका ब्रेकडाउन बना रखा है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये फोटो क्लिक करते टाइम बिल्कुल ऐसी थी, एंड इसमें आप देखिए बहुत ज्यादा येलो कलर दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऑरेंज कलर फोटो में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने किया क्या कि इस कलर को थोड़ा और डार्क ऑरेंज किया, जैसे कि आप नीचे देखिए ग्राउंड पे मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर रखा है, एंड इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हल्की सी यहाँ पे ग्रीन टोन या फिर हल्की जो डार्क ब्लू कलर है ना वो यहाँ पे शेडोज में ऐड किया। यहाँ पे आप देखिए ये शेडो का पार्ट है गाड़ी के जो दिख रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इस वजह से ये पूरी फोटो बहुत ही मस्त लग रही थी, यहाँ पे हल्का सा डार्क ग्रीन एंड ऊपर हल्का सा ये डार्क ऑरेंज। अब देखिए आते हैं इस वाली फोटो पे, एंड यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा टील ऑरेंज दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है बाकी सभी फोटो से क्योंकि यहाँ पे कलर बहुत ही डार्क से है, बहुत ही पॉपिंग नहीं है, जो टील कलर है बहुत ही हल्का सा टील है, एंड इसके अलावा जो फोटो में ऑरेंज कलर है वो बहुत कम जगह पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा और डार्क कर दिया ताकि यहाँ पे मस्त एक ऑरेंज दिख सके, एंड शेडोज भी काफी मस्त मैंने डार्क ब्लू कर रखी है बिल्कुल यहाँ पे, तो बहुत ही सिनेमेटिक सी ये शेडो लग रही है। तो इस टाइप की फोटो में जहाँ पे आपकी फोटो में शेडोज ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल फेडेड ब्लैक वाला पार्ट है, तो इसकी यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है, तो मैंने क्या किया इसमें हल्का सा ये म्यूटेड ग्रीन या फिर आप इसको ब्लू कलर बोल सकते हो ये यहाँ पे डाल दिया शेडोज में, तो ये थोड़ा सा और सिनेमेटिक लगता है, एंड जो डिटेल आपके पास नहीं है उसमें जस्ट एक कलर ऐड हो चुका है, तो काफी अच्छा देखने में लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही मस्त वाली टोन बन गई थी। इस फोटो में देखिए बिफोर बहुत ही सिंपल था इस फोटो का, एंड जस्ट यहाँ पे ऑलरेडी फोटो में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए येलो कलर ज्यादा दिख रहा फोटो में, एंड ये हमने बैकलाइट में फोटो क्लिक किया था, हल्की सी लाइट आ रही फेस पे। अब क्योंकि यहाँ पे फोटो में ज्यादा कलर्स नहीं थे, जस्ट ग्रीन कलर पीछे था, तो मैंने इसको चेंज करके हल्का सा ब्राउन या फिर ऑरेंज के साइड पे इसको मैं ले आया, एंड इसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्योंकि फोटो में ऑलरेडी येलो कलर की टी शर्ट थी हमारी, ये शर्ट जो है इसको मैंने ऑरेंज बना दिया बिल्कुल, एंड इसके साथ अपनी जो जींस थी ब्लू कलर की इसको मैंने टील बना दिया, तो बहुत ही सिंपली यहाँ पे टील एंड ऑरेंज बन चुका है। अब भाई मैं बहुत ज्यादा टील ऑरेंज का यूज करूँ अपनी फोटोज में, बट हाँ मैक्सिमम फोटोज में आपका टील ऑरेंज का जो कलर कॉम्बिनेशन है ज्यादा परफेक्ट लगता है, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि ये कलर व्हील के अंदर बिल्कुल अपोजिट होते हैं दूसरे के, तो देखने में ये कलर काफी प्लीजेंट लगते हैं। और सेकंडली टील ऑरेंज इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारी ह्यूमन आइज को जो है ये कलर देखने की ज्यादा आदत है। हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर अपने स्काई को देखते हैं तो वो टील दिखता है, एंड हमारी ह्यूमन स्किन को जिसको हम दिन भर देखते रहते हैं तो वो हमारी ऑरेंज होती है, तो ये दोनों कलर हमें अपने आसपास ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंड इसलिए हमारी फोटो में भी काफी प्लीजेंट लगते हैं। ये वाली फोटो स्पेशली मेरी फेवरेट है, एंड यहाँ पे देखिए फोटो बहुत ही कमाल की एडिट हुई थी, बहुत ज्यादा ड्रीमी सी लग रही है। अब
दिखाता हूँ आपको उसका बिफोर आफ्टर। तो ये रहा फोटो का बिफोर एंड यहाँ तक मैंने फोटो को लाइट रूम एडिट किया था। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट मैंने फोटोशॉप में डॉज बन करके फोटो को और परफेक्ट बनाया था। तो ये हमारा बेसिकली लाइट रूम का बिफोर आफ्टर एंड कलर टोन यहाँ पे फोटो में आ गई थी, बाकी तो जस्ट लाइट का खेल है। तो कलर टोन दिखाता हूँ मैंने कैसे इसके लिए चूज की। अब इस फोटो को आप देखिए बहुत ही नॉर्मल सी नेचुरल सी फोटो लग रही है एंड बैकलाइट फोटो बहुत प्यारा है। जो हाथ के पास रिम लाइट आ रहा है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस फोटो को देख के मेरे को बहुत ही मस्त ऐसे ड्रीमी फील आ गई थी, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो ना लाइट बहुत ही प्यारी आ रही है पीछे से एंड अगर हम इस लाइट को और ज्यादा वो कर दें डिहेज कर दें तो फोटो हमारी और ज्यादा ड्रीमी लग सकती है। तो इसलिए मैंने क्या किया इसमें बहुत ही ड्रीमी सी कलर टोन डाली एंड पूरी फोटो ओवरऑल बहुत ही क्लासिक लग रही है। हालांकि ये पूरी एडिटिंग जो मैंने की है यहाँ पे इस वाली वीडियो में ब्रेकडाउन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा पार्ट है इसका और मैं सोच रहा हूँ इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए क्योंकि ये वाली फोटो बहुत ही कमाल की एडिट हुई थी। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल देखना या फिर नहीं। खैर इस फोटो में ज्यादा कोई कलर्स थे नहीं तो मैंने इसमें बहुत ही मूडी टोन डालने की कोशिश की एंड मूडी ब्राउन बेसिकली इस टाइप की फोटो में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे लकड़ी दिख रही है पीछे, मतलब ये जो पेड़ की ये है स्टेम ये दिख रही है यहाँ पे एंड इसमें पत्तियां भी काफी ब्राउन ब्राउन सी लग रही है और यहाँ पे जो पत्थर है ये भी काफी नॉर्मली ब्राउन हो सकते हैं, मिट्टी दिख रही है। तो इसमें पूरी फोटो में ब्राउन कलर ज्यादा मेरे को दिख रहा था इसलिए मैंने इसमें ब्राउन टोन डाली एंड शेडोज में ब्राउन रखा, थोड़ा सा विनियट कम किया ताकि ये थोड़ा और डार्क हो सके, इधर से भी ये ज्यादा डार्क हो सके एंड ये सब करने के बाद इसमें ब्राउन टोन डालने के बाद इसमें हल्का सा मैंने जो है डीहेज का यूज करके या फिर डॉज बन का यूज करके फोटो में फाइनल ये आउटपुट बना लिया था। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कैसे मैंने इसको कंप्लीटली एडिट किया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके सो अब आती है हमारी ये वाली फोटो एंड यहाँ पे भी देखिए बहुत ही मस्त कलर टोन बन गई थी हमारी। बेसिकली ये ब्राउन टोन मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है बैकग्राउंड में। आजकल वैसे भी फॉल वाला सीजन चल रहा है तो पत्तियां बहुत ही मस्त चंडीगढ़ में खास करने से ब्राउन हो रखी होती है। तो ये देखते मेरे को लगा यहाँ पे पत्तियां तो दिख रही लेकिन ब्राउन नहीं है तो मैं इसको एडिटिंग में ब्राउन कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इनको ब्राउन किया, उसके बाद देखा इसके साथ क्या क्या कलर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। अब क्योंकि मेरी पूरी फोटो में एक ही कलर की ड्रेस थी तो इसको मैंने बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे टील कर दिया था एंड टील बेसिकली मैंने ग्रीन साइड को ज्यादा ले गया था तो आप इसको टील प्लस ग्रीन कह सकते हो और साथ में ये ब्राउन कलर। आई डोंट नो ये कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर नहीं लेकिन मेरे को ये फोटो ऐसी अच्छी लगी तो मैंने इसको ऐसे एडिट कर दिया। बाकी इसमें डॉजन मन का थोड़ा खेल है एंड डॉजन मन की फोटो फाइनली हमारी ऐसी बन गई थी क्योंकि काफी मेरे को अच्छी लगी। अभी हमारी यहाँ पे एक इंडोर फोटो आ जाती है एंड ये फोटो हमने ग्वालियर में क्लिक की थी अपने होटल रूम के अंदर ही एंड आप देख सकते हैं फोटो का जो बिफोर है ये बहुत ज्यादा येलो है क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग्स ऐसी थी इस रूम के अंदर, बहुत ज्यादा येलो लाइटिंग्स थी एंड ये लैंप से भी येलो लाइट निकल रही थी एंड वहाँ पे हमारे कैमरा का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा ही था तो इसलिए ये फोटो ऐसी आ गई। बट ये फोटो यू नो कहीं पर डालने लायक है नहीं तो मैंने सबसे पहले इसका जो है वाइट बैलेंस करेक्ट किया एंड इसमें देखा क्या क्या कलर इसमें वापस आ सकते हैं। तो देखिए मैंने इसका वाइट बैलेंस बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया था ताकि फोटो में नॉर्मल हमारे वापस जो कलर है वो दिख जाए एंड व्हाइट कलर एक्चुअल व्हाइट दिखे। बाकी इसमें इसके बाद ज्यादा कलर ग्रेडिंग तो नहीं करी, जस्ट करेक्शन करी। अब क्योंकि ये फोटो थोड़ा ज्यादा वार्म टोन में जा रही थी तो मैंने इसको कूल टोन में लेके आने के लिए क्या किया इसके शेडोज हाइलाइटर मिड टोन में थोड़ा सा ब्लू टोन ऐड कर दिया एंड फोटो बहुत ही परफेक्टली हमारे यहाँ पे न्यूट्रल हो गई। एंड भाई साहब ये मेरी पर्सनली फेवरेट फोटो ये आ चुकी है एंड इसका पहले आपको दिखाता हूँ फाइनल आउटपुट हमारा ये था जो कि बहुत ही क्लासिक लगता है क्योंकि मैंने पीछे यहाँ पे हटा दी चीजें। लेकिन हाँ कलर टोन की बात करते हैं, ये फोटो देखिए सिंपल हमारी फोटो ऐसी थी एंड ये भी मैंने ग्वालियर में ही क्लिक की थी। अब क्योंकि इस फोटो को देख के आपको खुद ये फील आ रही होगी यार बहुत ही मस्त यहाँ पर ऐसे एटीट्यूड्स है फेस पे एंड जैसे मूवी के पोस्टर होता है जैसे केजीएफ वाले पोस्टर होते हैं उस टाइम कुछ लुक है फोटो में, पता नहीं रैंडमली फोटो हमारी ऐसी आ गई थी। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड भी आप देखिए ध्यान से तो यहाँ पे बहुत ही मस्त ये रस्टी सा लग रहा है पुराना सा, इस पर दरारें पड़ी हुई है तो यहाँ पे मेरे को देख के थोड़ा विंटेज वाली टोन आ गई थी याद कि मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा डल सकता है सिनेमैटिक सा विंटेज सा जिससे कि ये जो दिख रही है इस सीडियो की चीज़ें ये भी थोड़ी सी और एनहांस हो और ओवरऑल फोटो काफ़ी अच्छी लगे, हर बार सोचता हूँ उस पर क्या। तो मैंने बेसिकली क्या किया ये जो बिल्डिंग पीछे दिख रही है येलो कलर की इसमें मैंने हल्की सी थोड़ी सी ऑरेंज टोन डाल दी एंड इसकी वजह से पूरी फोटो में काफी मस्त लुक आ गई। हालांकि इसमें ऑरेंज टोन डालने के बाद मैंने इसको डॉज एंड बर्न किया, कहीं से मैंने ज्यादा इसको डार्क किया एंड कहीं से थोड़ा ज्यादा लाइट किया, पर हाँ मेन काम यहाँ पे ऑरेंज टोन का है एंड बैकग्राउंड में ब्लू स्काई तो पहले से ही था तो मैंने इसको जस्ट टील साइड लेकर थोड़ा सा एंड परफेक्टली फोटो में टील एंड ऑरेंज बन गया और ये ट्री मैंने यहाँ से गायब कर दी थी तो फाइनल फोटो काफी मस्त हमारी बन गई थी। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल है बहुत ही कम एडिटिंग का, इस फोटो को आप देखिए ये बिफोर इस फोटो का है एंड इसमें बहुत ही कम मैंने एडिटिंग की है, इसमें बहुत ही सिंपल से मैंने जस्ट करेक्शन किया क्योंकि फोटो में ऑलरेडी कलर्स बहुत प्यारे थे, यहाँ पे जो पत्तियां थी वो बहुत ही मस्त ब्राउन कलर की ऑलरेडी थी, जो ऊपर ग्रीन पत्तियां इन पे बहुत ही मस्त लाइट पड़ रही थी इसलिए ये भी काफी मस्त ब्राउन से दिख रही है, इसको जस्ट मैंने हल्का सा ब्राउन कर दिया एंड ओवरऑल फोटो में स्किन को मैंने थोड़ा एनहांस किया, थोड़ा सा शेडोज को अप किया है एंड फेस पे सिलेक्शन करके उसको थोड़ा सा ब्राइट किया है। इसके अलावा फोटो में जो ग्रीन कलर था उसको मैंने हल्का सा जो है ब्राउन साइड ले गया एंड काफी मस्त फोटो में बहुत ही मिनिमल से एक टोन आ गया ब्राउन टोन एंड फाइनल फोटो हमारा ये है। तो देखिए फोटो कितनी क्लासिक हमारी लग रही थी। तो कभी कभी आपको ना फोटो में ज्यादा एडिटिंग भी नहीं करनी चाहिए, अगर आपकी फोटो में कलर्स आपके ऑलरेडी अच्छे आ रखे हैं तो उनको ज्यादा छेड़ के आपको ओवर एडिटिंग नहीं करनी चाहिए एंड यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल सी सटल सी एडिटिंग किया एंड फोटो में कलर्स ऑलरेडी काफी अच्छे लग रहे हैं एंड आई थिंक इस फोटो में ये कलर टोन इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी फालतू चीजें चेंज नहीं किया, जो नेचुरल कलर्स हैं वही रखे हुए हैं एंड इसलिए फोटो काफी परफेक्ट लग रही है। तो आई होप आपको ये बहुत ही इजीली अब समझ आ चुका होगा कि मैं अपनी फोटो में जो भी कलर टोन डालता हूँ या फिर कलर ग्रेडिंग करता हूँ वो क्यों करता हूँ। देखिए कलर ग्रेडिंग ऐसी करो कि आपकी फोटो में जो कलर्स हैं उनको आप थोड़ा सा और एनहांस कर दो, थोड़ा सा और अच्छा बना दो, फोटो को डिफरेंट बनाने के चक्कर में उसको खराब मत करो। तो आई होप आपको काफी इजीली अब समझ आ चुका होगा कि किस टाइप की फोटो में किस टाइप की कलर ग्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि यू नो कलर ग्रेडिंग करना तो उतना मुश्किल नहीं है एंड आजकल तो बहुत सारे प्रीसेट भी मिल जाते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए, लेकिन कौन सी फोटो में कौन से प्रीसेट या फिर कौन सी कलर टोन ज्यादा अच्छी लगेगी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपका ये वाला डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो कलर ग्रेडिंग से लेकर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए एंड इन केस आपने लाइटरूम मास्टर क्लास की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये रही वीडियो, इसको चेकआउट करो और देखो।